Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to read out a new story from your Marigold book, page number 66. The name of the story is Alice in Wonderland, and this story is adapted from the book Alice in Wonderland written by Lewis Carroll. ये story Alice in Wonderland book से ली गई है. उस पर बहुत सारे stories हैं, बहुत सारे chapters हैं, तो ये एक chapter उसी में से लिया गया है. And it is written by Lewis Carroll. And in this book, students, there are so many stories about a girl, Alice, who reached a wonderland, जो एक बहुत ही अनोखी strange दुनिया में पहुँच जाती है. तो ये जो कहानी है ये उसी का ही एक part है. So let's enjoy it, okay? So take a pencil for underlining new words. Alice in Wonderland. One day, Alice was lying under a tree, listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और वहाँ वो अपनी सिस्टर, उसकी जो सिस्टर वो पास ही में उसे स्टोरी रीड करके सुना रही थी. तो एलिस उसे एंजॉय कर रही थी. सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. और तभी अचानक उसने देखा कि एक वाइट कलर का रैबिट तेज़ी से दौड़ता हुआ वहाँ से निकला. स्कैम्पर का मतलब होता है जब तेज़ी से कोई चीज़ पास होती है, तेज़ रफ्तार से दौड़ना. ओके, He had pink eyes and was wearing a blue coat. तो उस रैबिट की आइज कैसी थी? पिंक थी और उसने ब्लू कोट पहन रखा था. He took out a big watch from his waistcoat pocket. और उसने जो कोट पहन रखा था उसके अंदर से उसने एक वॉच निकाली. And as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." तो अपने वॉच निकालता हुआ, टाइम देखता हुआ बोला, मतलब वो बहुत जल्दी में था, तो उसने जल्दी में वॉच देखी, अब टाइम देखा और कहा, ओ डियर आई विल बी टू लेट, कि आज तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा. शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. तो एलिस को क्या लगा कि इस रैबिट के बारे में ज़रूर कुछ अजीब है. उसे बड़ा ही स्ट्रेंज लगा उस रैबिट का आना और वहाँ से जाना. इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच. तो वो बोल रही, ये रैबिट तो बड़ा अजीब है, बड़ा नया है, अलग है सबसे, ये बात भी कर सकता है, इसने वेस्ट कोट भी पहना है, और इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच, और उसने वॉच भी वो कैरी कर रखी है, क्या बात है. एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट. एलिस को बहुत ही अजीब लगा, वो सोचने लगी, अरे एक बोलता हुआ रैबिट. अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. और रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, उसे ये सब चीज़ें बड़ी स्ट्रेंज लग रही थी. आप भी इमेजिन करो, अगर आपके सामने ऐसा रैबिट आ जाए तो आपको भी बड़ा शॉकिंग लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा, यू विल बी सरप्राइज, है ना. तो ऐसे ही एलिस के साथ हो रहा था, उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि एक ऐसा रैबिट जो बात भी करता है, जिसने रेड वेस्ट कोट पहन रखा है और जो अपने साथ वॉच भी रखता है. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी. बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी मतलब उसके अंदर से एकदम ऐसे वो उतावली हो गई कि मुझे तो ये जाना. शी बिकेम वेरी ईगर टू नो कि ये क्या बात है कि ऐसा रैबिट मैंने तो पहले ही बार देखा है. क्यूरियोसिटी मीन्स ईगरनेस. ओके, एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. तो उसने क्या किया, उसने उस रैबिट को फॉलो करना शुरू किया. ओके, सो यहाँ तक आपको स्टोरी क्लियर है. नाउ स्टूडेंट्स टर्न द नेक्स्ट पेज. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. तो रैबिट ने तेज़ी से दौड़ने लग गया, लेकिन एलिस है वो भी उसे फॉलो करने लगी, उसे पीछे पीछे जाने लगी. वो जानना चाहती थी कि ये किस तरह का रैबिट है. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. और जो रैबिट है वो तभी वहाँ से तुरंत एक रैबिट होल के अंदर घुस गया. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू. सो एलिस भी उसके पीछे पीछे रैबिट होल में चली गई. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. लेकिन वो जो होल था ना, वो कोई ऐसा वैसा होल नहीं था, वो बहुत डीप होल था, बहुत गहरा होल था. तो रैबिट जैसे ही उसने जम्प किया, रैबिट ने, वो बहुत नीचे और नीचे और नीचे और नीचे जाता गया. एलिस said aloud, "Where am I? How many miles down I have I fallen?"
एलिस भी सोचने लगी कि अरे मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव फॉलन, मैं कितने गहराई में आ गई हूँ, कितना नीचे पहुँच गई हूँ, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे लग रहा है कि मैं कहीं पर अर्थ के सेंटर में तो नहीं पहुँच गई, मतलब मैं एकदम जहाँ पे अर्थ ख़त्म होता है या जहाँ पर उसका सेंटर पॉइंट होता है वहाँ तक तो नहीं पहुँच गई। उसे लग रहा था कि वो बहुत अंदर अंदर डीप जा रही है। शी वंडर्ड विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, विल आई स्लीप, स्लीप SLIP, स्लीप का यहाँ मतलब होता है फिसलना। तो वो अपने आप सोचने लग गई और कहने लग गई, विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, तो उसने कहा कि क्या मैं अर्थ के दूसरे साइड में पहुंच जाऊंगी फिसलते हुए, यहाँ से जाते हुए क्या मैं दूसरे साइड पे तो नहीं पहुंच जाऊंगी। तो उसे ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी, है ना, वो सोचने लगी क्योंकि वहाँ कोई एंड नहीं था, वो बहुत ही गहराई में नीचे जाती जा रही थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ तक पहुँच रही है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, इसके आगे क्या हुआ, वो कहाँ पहुँचती है और क्या एक्सपीरियंस उसने शेयर किया, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके तो टिल देन, यहाँ तक आपको चैप्टर रीड आउट करना है, लेट्स रिवाइज वंस, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो स्टोरी है ये एलिस नाम की लड़की की है जो एक बहुत ही अनोखी दुनिया में पहुँच जाती है। एक दिन क्या होता है कि शी इज़ लाइंग अंडर अ ट्री, वो एक पेड़ के नीचे लेटी हुई रहती है और उसकी जो सिस्टर है वो उसे स्टोरी सुना रही होती है, तो वो उसे सुनती रहती है। तभी अचानक वहाँ से सडनली देयर स्कैम्पर अ रैबिट, एक रैबिट वहाँ से तेज़ी से दौड़ता हुआ गुजर जाता है। तो उसे वो देखती है कि वो तो बड़ा ही अजीब रैबिट है, क्योंकि वो रैबिट है वो बात भी करता है, उसने वेस्ट कोट भी पहन रखा है और वो अपने पास वॉच भी रखता है। तो शी फाइंड इट्स वेरी स्ट्रेंज, तो वो क्या करती है, वो उसका पीछा करने लग जाती है। जब वो उसका पीछा करती है तो रैबिट एक होल के अंदर जंप कर जाता है। तो जो एलिस है वो भी उस होल के अंदर चली जाती है उसका पीछा करते करते। अब उस होल की कोई लिमिट नहीं होती है, वो बहुत ही डीप होता है, तो रैबिट बहुत नीचे तक चला जाता है। अब एलिस को समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पहुँच रही है, वो सोचती है कि क्या वो अर्थ के सेंटर में पहुँचने वाली है या कहीं वो स्लिप होते हुए फिसलते हुए अर्थ के दूसरे साइड में तो नहीं जा पहुँचती है। और बाकी आगे क्या हुआ स्टोरी में, वी विल बी कंटिन्यूइंग इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रीड द स्टोरी, अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लर्न देम। ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।